देखो, मूल जो क्लास में देख रहे थे ना, मूल अधिकार जो है, तो मूल अधिकार क्या है? तो ऐसे मानव अधिकार जिसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है, उसको बोलते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को पढ़ने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि मानव अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि मानव अधिकार जो है, ठीक, ये मानव अधिकार जो है, जिसको ह्यूमन राइट्स बोला जाता है इंग्लिश में, ये क्या होते हैं ऐसे। ठीक है, तो पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें जो पार्ट 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ऐसे ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार जो संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं, उनको हम मूल अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो मानव अधिकार है, ठीक है, आज की क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज की जो क्लास होगी ना, उसमें हम क्या जानेंगे उस चीज को पहले देखते। तो पहली चीज है कि मानव अधिकार का उद्भव, मतलब कैसे वो आया, अस्तित्व में आया, मानव अधिकार का विकास, तो आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव अधिकार है, उनका विकास कैसे हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार का विकास समझने का प्रयास करेंगे, मानव अधिकार की परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे, मानव अधिकार का वर्गीकरण कि मानव अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मानव अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण अभिसमय और मानव अधिकार के सिद्धांत। तो यहाँ इस क्लास में ध्यान रखिएगा कि जो पद आएंगे वो, उनको केवल आपको क्या करना है, केवल ध्यान में रखना है कि ये पद हैं। कुछ बहुत सारे नए शब्द आएंगे, नए वाक्य आएंगे जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन वो चीज जो है, वो ह्यूमन राइट्स की जब क्लास चलेगी तो उसको डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो अभी केवल आपको क्या करना है कि उन चीजों को आपको केवल इसलिए बताया जा रहा है कि जब भी आप मानव अधिकार की बात करें या मूल अधिकार की बात करें, राज्य की बात करें, तो वो आपके लिए वो शब्द नए ना हो, वाक्य नए ना हो, तो उनका, उनको परिचित कराने के लिए केवल, ठीक है, उनका परिचय देने के लिए ये बताया जा रहा है कि वो क्या होते हैं। तो डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे जब क्लास होगी। केवल यहाँ पे कुछ जो नए शब्द हैं वो, और नए वाक्य जो है, उनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि वो आपको अभ्यस्त हो जाए आप उसके बारे में। तो आज की जो क्लास है उसमें मानव अधिकार का उद्भव, विकास, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार का विकास, मानव अधिकार की परिभाषा, मानव अधिकार का वर्गीकरण, मानव अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण अभिसमय और मानव अधिकार के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं मानव अधिकार की परिभाषा। तो देखिए, मानव अधिकार जो है, उसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बोलें तो मानवीय अधिकार या मानवाधिकार वास्तव में वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलते हैं कि उसे मनुष्य के रूप में जीवित रहने के लिए उन अधिकारों की आवश्यकता है, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीना, जीवन जीने का अधिकार। तो देखो, एक जानवर भी अपना जीवन जी लेता है, लेकिन आप मानव हो इसीलिए आपको कुछ अधिकार देता है समाज, राज्य जो है अभी वर्तमान की स्थिति में। तो ऐसे अधिकार आपको जो दिए जाते हैं, वो केवल इसलिए दिए जाते हैं कि आप मनुष्य के रूप में अपना जो संपूर्ण जीवन है उसको गरिमामय रूप से आप जी सके। तो परिभाषा में ऐसे ही देखेंगे कि वो अधिकार जो मनुष्य होने के नाते आपको केवल इसलिए मिलते हैं कि आप अपना जो जीवन है उसको गरिमामय रूप से जी सके, और इन अधिकारों की आपको आवश्यकता है, इसलिए समाज या राज्य जो है इनको आपको देता है। तो यही पे मेरी रॉबिन्सन का एक, उन्होंने जो परिभाषा दी है कि उनके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रताओं की संरक्षा और उसे प्राप्त करने के व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त जो अधिकार हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। तो ये मानवाधिकार आयोग जो है, उनसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनसे संबंधित महिला हैं ये, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। तो ये था कि हमने यहाँ पे ये जानने का प्रयास किया कि मानव अधिकार वास्तव में क्या होते हैं। तो मानव अधिकार को और जो और शब्दों से जाना जाता है वो है प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, बेसिक राइट्स,
अथवा अंतर्निहित या जन्मजात अधिकार इनहेरेंट राइट भी कहा जाता है। तो ये शब्द जहां पे भी आपको सुनाई दे तो आप समझे समझिएगा कि ये मानव अधिकार ही है। देखते हैं मानव अधिकार का वर्गीकरण कि मानव अधिकार को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं करके। तो जो प्रोफेसर लुइस बी सोन है उनके अनुसार उन्होंने क्या किया था, मानव अधिकार को तीन वर्गों में विभाजित किया। एक तो है प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार, द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार, फिर तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार। और ये क्लासिफिकेशन जो है फोर्थ जनरेशन वाला वो उनके अनुसार से नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ जनरेशन के मानवाधिकार बोल सकते हैं। तो देख सबसे पहले चर्चा करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो है उनके बारे में, प्रथम पीढ़ी के अधिकार। तो वर्गीकरण में तीन वर्गीकरण याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी। तो सब सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार क्या होते हैं। तो नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा जो है, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे हम कि नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा जो है उसमें सम्मिलित विभिन्न अधिकारों को, जो भी अधिकार उसमें दिए गए हैं उनको प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। ये अधिकार जो है वो परंपरागत है, परंपराओं से चले आ रहे हैं तथा लंबे समय से ग्रीक नगर जो है के राज्य के समय से विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ये अधिकार विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय संविधानों, सिविल एवं राजनीतिक प्रसंविधा पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा, मानव अधिकारों पर यूरोपियन अभिसमय तथा अफ्रीकी दस्तावेजों में सम्मिलित किए गए हैं। और भारत के संविधान के भाग 3 में भी नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में जब आप जब मूल अधिकारों को पढ़ते हैं तो उसमें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। किस प्रकार के अधिकार हैं, भाग 3 में नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। तो अब देखते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार या सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो है, तो इनमें क्या है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो एक जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, और एक ये क्लासिफिकेशन है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा जो है उसमें जो सम्मिलित अधिकार है, ठीक, इसके बारे में भी हम जब मानवाधिकार पढ़ेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि आर्थिक रूप है ऐसे अधिकार जो आर्थिक आर्थिक से संबंधित है, और ऐसे अधिकार जो सामाजिक संबंधी है और सांस्कृतिक संबंधी ऐसे अधिकार, तो इनको द्वितीय पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको प्रथम पीढ़ी के अधिकार मतलब नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को अगर मतलब उनका अस्तित्व बनाए रखना है, अगर उनको आपको उन अधिकारों को उनको अगर आपको प्राप्त करना है, तो ये द्वितीय पीढ़ी के जो अधिकार है उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। मतलब अगर इनके अस्तित्व को आपको नियमित रूप से बनाए रखना है प्रथम पीढ़ी के अधिकारों को, तो द्वितीय पीढ़ी के जो अधिकार हैं, तो एक सभ्य समाज में, एक विकसित समाज में ऐसी कल्पना की जाती है कि प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार हैं उनको बनाए रखने के लिए द्वितीय पीढ़ी के जो अधिकार हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो वो अधिकार आपको देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार हैं उनको, आपको नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं उनको बनाए रखना है, उनका अस्तित्व बनाए रखना। तो अब देखते हैं इनको द्वितीय पीढ़ी के अधिकार क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है, जो द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो अधिकार हैं, उनकी जो उत्पत्ति है वो नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के पश्चात हुई है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, द्वितीय पीढ़ी। पहले कौन आया, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार, उसके बाद अस्तित्व में कौन आया, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। अब इन अधिकारों का विकास जो है वो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्रभावशील बनाने के लिए हुआ है, तो उनको प्रभावशील मतलब इफेक्टिव बनाया जा सके इसलिए हुआ है। क्योंकि नागरिक अधिकारों का स्वयं में कोई विशेष अर्थ नहीं, जब तक कि व्यक्ति के पास सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार न हो, भारतीय संविधान के भाग 4 में
इन्हीं सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो भाग तीन में हमने क्या देखा, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, और जो भाग चार है उसमें सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को समाविष्ट किया। तो आप ये समझिएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार ही हैं, परंतु वो प्रवर्तनशील नहीं, मतलब न्यायालय में जाके आप उनको लागू नहीं करा सकते, बस अंतर यही है। तो भाग तीन में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, और भाग चार राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं उसमें क्या किया गया है, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को समाविष्ट किया। अब देखते हैं तृतीय पीढ़ी के अधिकार। तो तृतीय पीढ़ी के जो अधिकार हैं उसमें उदाहरण से समझेंगे इसको कि आत्मनिर्णय का अधिकार, मतलब आप स्वयं जो है वो निर्णय ले सके, विकास करने का अधिकार कि आप डेवलप कर सके, शांति का अधिकार कि आपको शांति मिले, ये सब जो है तृतीय कोटि के अधिकार है। ये सभी अधिकार अभी भी अपने विकास काल में, मतलब इनका डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आत्मनिर्णय का अधिकार है, विकास का अधिकार है, शांति का अधिकार है, तो ये सब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो अब देखिए, तो ये हो गए, तीन पीढ़ियां हो गई लुईस बी शॉन के अनुसार, कि प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार, तो इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार आए। द्वितीय पीढ़ी के जो अधिकार हैं उसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आए। तृतीय पीढ़ी के जो अधिकार थे उसमें क्या था, उदाहरण में आत्मनिर्णय का अधिकार, विकास का अधिकार, शांति का अधिकार। और ये अधिकार तृतीय पीढ़ी के क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनका अभी भी विकास हो रहा है। अब फोर्थ जनरेशन जो है वो, अब आप ये समझिए कि थर्ड जनरेशन है वो खुद अभी डेवलपमेंट के स्टेज पे है, तो फोर्थ जनरेशन जो है क्या है कि जिनको हमको अचीव करना है और लोगों तक पहुंचाना है, फ्यूचर ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन आज भी ये एग्जिस्टेंस में है। कुछ कंट्रीज में क्या है कि ये समझे जाते हैं राइट्स, जैसे डेटा तक अप्रोच जो है, ठीक है, कि जो संसूचना है उस तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। तो ये जो है फोर्थ जनरेशन जो है, इस कोटि के जो अधिकार हैं वो फोर्थ जनरेशन या चतुर्थ पीढ़ी के मानवाधिकार समझे जाते। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानवाधिकार का वर्गीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के मानवाधिकार होते हैं। अब मानवाधिकार का सिद्धांत समझते हैं कि मानवाधिकार के पीछे क्या सिद्धांत। तो देखिए कि कोई भी चीज देखते हैं कि उसके पीछे का क्या सिद्धांत है, तो इसी संदर्भ में मानवाधिकार के जो सिद्धांत हैं वो पहला सिद्धांत है प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, नेचुरल लॉ थ्योरी। दूसरा है अस्तित्ववाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। तीसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी। फिर न्याय पर आधारित सिद्धांत है, थ्योरी बेस्ड ऑन जस्टिस। और फिर गरिमा पर आधारित सिद्धांत है, तो थ्योरी बेस्ड ऑन डिग्निटी। तो ये जो है सभी वेरियस थ्योरीज जो है वो ह्यूमन राइट से संबंधित सिद्धांत है। अब देखते हैं कि प्राकृतिक विधि का सिद्धांत या नेचुरल लॉ थ्योरी है वो क्या बोलता है। तो प्राकृतिक विधि का जो जन्म है वो हुआ है ग्रीक में, तथा उसका विकास जो है, डेवलपमेंट हुआ है वो रोम। तो जो जन्म है वो ग्रीक में और विकास जो है वो रोम में हुआ, जिसके बाद जस नेचुरली, मतलब जस नेचुरली कहा जाता है, परंतु विधि मानव आचरण के सिद्धांतों को ही प्रतिपादित करती है। तो आप कैसा व्यवहार करें, और एक चीज और याद रखिएगा इस संदर्भ में कि विधि जो है वो मानव के बाह्य आचरण को ही नियंत्रित करता है। तो ये एक कोट है इसको हमेशा याद रखिएगा कि विधि जो है वो मानव के बाह्य आचरण को ही नियमित, मतलब रेगुलेट करता है। अब नैसर्गिक विधि या प्राकृतिक विधि उस बात की अभिव्यक्ति है जो सही है, उसके विरुद्ध जो केवल समीचीन या कॉलोचित एवं विशिष्ट या स्वाभाविक है, तो उसके विरुद्ध जो सुविधाजनक है तथा जो सामाजिक अच्छाई या भलाई के लिए है, उसके विरुद्ध है जो व्यक्तिगत इच्छा अनुसार है। अतः प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि मनुष्य को प्रकृति की तार्किक एवं युक्ति युक्त आवश्यकताओं पर आधारित है। रोमन लोगों के अनुसार नैसर्गिक विधि में न्याय के प्रारंभिक सिद्धांत थे जो उचित तर्क का अधिदेश था। दूसरे शब्दों में ये जो सिद्धांत है वो प्रकृति के अनुसार रहो
और प्रकृति के अनुसार आचरण करो से संबंधित है। तो सारांशतः प्राकृतिक विधि जो है वो ये बताती है कि आप प्रकृति के अनुसार रहें और प्रकृति के अनुसार आचरण करें। तो प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है, मतलब ये सिद्धांत ये बताता है कि आपको प्राकृतिक रूप से जो अधिकार मिलते हैं मानव होने के नाते, वो मानव अधिकार कहलाते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है उपर्युक्त, मतलब ये जो प्राकृतिक विधि के सिद्धांत से निकला है, और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आधुनिक मानवीय अधिकारों से निकट रूप से संबद्ध। इसके प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो है जॉन लॉक। उनके अनुसार क्या था कि जब मनुष्य प्राकृतिक दशा में था, जहां महिला और पुरुष स्वतंत्र स्थिति में थे तथा अपने कृत्यों को निर्धारित करने के योग्य थे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तथा वे समानता की दशा में थे, मतलब स्त्री पुरुष में भेद नहीं था जब वो प्राकृतिक स्तर पर रहते थे, तो लॉक ने यह कल्पना की कि ऐसी प्राकृतिक दशा में कोई भी किसी अन्य की इच्छा या प्राधिकार के अधीन नहीं था, मतलब कोई ऊपर नहीं था कोई नीचे नहीं था, सभी स्वतंत्र थे। तत्पश्चात प्राकृतिक दशा के कुछ जोखिमों और असुविधाओं से बचने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संविदा की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया, पारस्परिक रूप से, मतलब एक दूसरे से यह तय किया कि वह एक समुदाय तथा राजनीतिक निकाय का को स्थापित करेंगे, मतलब वो एक दूसरे के इच्छाओं का हितों का सम्मान करेंगे ताकि संघर्ष कम हो और सभी लोग अच्छे से जीवन जी सके। परंतु उन्होंने कुछ प्राकृतिक अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अपने पास ही रखा, मतलब ये जो चीजें हैं जैसे जीवन जीने का अधिकार, उसको है ना, इस अधिकार को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बांटा नहीं, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब स्वतंत्रता बोलने का, कहीं घूमने का, ये स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसको, और संपत्ति का मतलब संपत्ति के अर्जन की, मेरी जो संपत्ति है ना उस पे मेरा अनन्य अधिकार है, मैं इस अधिकार को दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहूंगा। इसे तो इन अधिकारों को क्या किया व्यक्तियों ने, अपने ही पास रखा, इसको साझा नहीं किया। तो यह सरकार का कर्तव्य था या उस समुदाय का कर्तव्य था प्रारंभ में कि वह अपने नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करे और उनका संरक्षण करे। वह सरकार जो इसमें असफल रहती थी, जिसने अपने कर्तव्यों में उपेक्षा बरती, अपने पद या कार्यकाल की वैधता खो देता है। तो ये देखो कि ये आज के वर्तमान समय में भी ये दिखती है, जैसे जो सरकार, आप मानव हमारे मतलब समाज के या लोगों के जो मतलब जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाती, तो जनता उनको चुनना बंद कर देती है, सरकार बदल जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें दिखती हैं कि इनके पीछे का क्या कारण है कि ये सरकार असफल रही है। किसमें? अपने कर्तव्य में उपेक्षा के कारण क्या करती है, ये नेग्लेजेंसी के कारण हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती, इसीलिए इनको समर्थन नहीं मिलता है और ये पुनः सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। तो ये एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। तो ये था जॉन लॉक के अनुसार आपका प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, और हमने प्रयास किया कि प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के आधार पे जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जिनको हम मानव अधिकार कहते हैं, वो क्या है। अब दूसरा दूसरा जो है वो अस्तित्ववाद का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। ये अस्तित्ववाद जो है वो 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में प्रचलित था। अस्तित्ववादी यह विश्वास करते थे कि यदि विधि उपर्युक्त उपयुक्त विधायनी या संप्रभुता संपन्न शासक द्वारा निर्मित नहीं की गई है तो लोग उसे मानने को बाध्य नहीं होंगे। मतलब विधि जो है वो एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो, विधायिका द्वारा बनाया हो, जो प्रभुता संपन्न हो, संप्रभु हो, संप्रभु द्वारा जो निर्मित विधि है उसको ही लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, और वैसी ही विधियों को पालन करने के लोग बाध्य। और यहाँ पे ये निर्भर नहीं करता कि वो विधि युक्तियुक्त है या अयुक्तियुक्त है, अगर उसका निर्माण सक्षम विधायिका द्वारा किया गया है तो लोगों के ऊपर लोग जो हैं वो बाध्य हैं कि उनका पालन किया जाए। तो अस्तित्ववादी इस विधि को लॉ पॉजिटिविज्म कहते थे। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, देखिएगा, लॉ पॉजिटिविज्म।
अस्तित्ववाद, इसको नोट करके रखिएगा आप, कि क्या था कि लॉ पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि जो विधि प्रभु संप्रभु द्वारा बनाई गई है, सक्षम प्राधिकार द्वारा बनाई गई है, उन विधियों का पालन करने के लिए जो जनता है वो क्या है, बाध्य होती है। तो यही है लॉ पॉजिटिविज्म। तो अर्थात ऐसी विधि जो है जो वास्तव में या तथ्य में विधि है, ना कि ऐसी विधि जिसे होनी चाहिए, मतलब जो है जिस विधि का अस्तित्व है, जिसका निर्माण किया गया है, ना कि वो कैसी होनी चाहिए। तो इन मतलब जो चीजें हैं, जो विधि है, उसका अध्ययन करना जो है वो लॉ पॉजिटिविज्म है। ठीक है, पॉजिटिविज्म आप इसको जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे तो ये बैंकर श्वेग जो है इस विचारधारा, अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो अस्तित्ववादियों के अनुसार मानवीय अधिकारों का स्रोत ऐसी विधिक प्रणाली से है जिसमें अनुशास्ति होती है। तो यहाँ पे अनुशास्ति जो है वो एक आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, तो क्या चीजें हैं कि अस्तित्ववादियों के अनुसार क्या था कि मानवीय अधिकारों का स्रोत जो है, सोर्स समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी विधिक प्रणाली है जिसमें अनुशास्ति होती है। तो अनुशास्ति मतलब दंड जो है वो उसके पीछे होता है। तो उन्होंने इज मतलब है और होना चाहिए मतलब आउट टू बी में अंतर पर बहुत बल दिया कि वो ये अस्तित्ववादियों का ये मानना था, जैसे ऑस्टिन है, बेंथम है, ठीक है, केल्सन है, सामंड है, ये सब जूरिस्ट है इन, ठीक है, तो इनका एनालिटिकल स्कूल के ये जूरिस्ट है। तो इनका मानना क्या था कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये है और होना चाहिए, इसमें अंतर किया हुआ, और बताया कि प्राकृतिक विधि के समर्थकों की आलोचना भी की इन्होंने, और उन्होंने इस अंतर को भुला दिया। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक विधि के समर्थक थे, ठीक है, जैसे एरिस्टोटल हैं, सोक्रेट्स हैं, इन्होंने क्या किया था कि इस अंतर को भुला दिया गया था, मतलब है और होना चाहिए वाला जो अंतर था, उस अंतर को प्राकृतिक विधि सिद्धांत जो थे उन्होंने क्या किया था, इस अंतर को भुला दिया। अब देखें कि अस्तित्ववादी मत जो है, एक आधुनिक प्रवर्तक है प्रोफेसर एच एल ए हार्ट, इनका नाम भी आपने पहली बार सुना हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर एच एल ए हार्ट, इनको भी पढ़ना पड़ेगा जब आप जुरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो, कि उन्होंने क्या कहा कि विधि की वैधता, ठीक है, वैलिडिटी, विधि की नैतिकता में अंतर होता है। तो मोरालिटी जो है उसमें अंतर है, या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत तथा अस्तित्ववादी सिद्धांत में मूल अंतर है। अस्तित्ववादियों के अनुसार विधि के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे एक उपयुक्त विधायनी प्राधिकार या शक्ति द्वारा अधिनियमित किया जाए, ऐसी विधि वैध रहेगी चाहे वह अनैतिक ही क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पे सारता आपको यह समझना है कि अस्तित्ववादियों का क्या बोलना है, यह लॉ पॉजिटिविज्म बोलते थे कि विधि जिसका निर्माण सक्षम प्राधिकारी ने किया है, लोग जनता उसको मानने के लिए बाध्य है, और क्या चीज जो है कि वैध होने के लिए, मतलब विधि वैध है, वैध विधि की वैधता के लिए आवश्यक है कि वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई हो और उसके पीछे शास्ति हो, भले वो अनैतिक क्यों ना हो लेकिन वो वैध विधि हो। तो ये इसका सार था। अब देखते हैं अगला, मार्क्स वादी सिद्धांत या मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, तो इसके अनुसार क्या होता है, व्यक्तियों के अधिकार पूरे समुदाय में अधिकारों से पृथक नहीं होते। तो व्यक्तियों के मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकार नहीं होता है, सभी जो अधिकार है वो सामुदायिक रूप से। उनके अनुसार केवल समुदाय या समाज के उत्थान से ही व्यक्तियों को उच्च स्वतंत्रताएं प्राप्त हो सकती। तो इस सिद्धांत के दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तियों की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि भी सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के अधीन है। मतलब हम अगर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो उससे क्या होता है कि मूल आवश्यकताएं जो है, व्यक्तियों की मूल आवश्यकताएं, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जो मूल आवश्यकताएं हैं,
उनकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, समाज। तो यहाँ पे व्यक्तियों को, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वहां पे क्या, व्यक्तियों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, समाज को महत्व दिया। तो व्यक्तियों के अधिकारों की धारणा एक पूंजीवादी भ्रम है। तो जो पूंजीवाद है वो जो है वो क्या बोलता है कि जब पर्सनली इंडिविजुअल राइट्स की जब बात करते हैं तो वो पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म के बारे में। तो जब आप कैपिटलिज्म जो ये सिद्धांत है वो ही बात करता है किन के बारे में, व्यक्तियों, व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बात। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो बोलता है समाज, समाज है तो विधि, नैतिकता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता आदि की धारणाएं ऐतिहासिक कोटियों में आती, जिनकी अंतर्वस्तु या विषय वस्तु समाज है या समुदाय है, के जीवन की दशाओं से निर्धारित है, और धारणाओं एवं विचारों में परिवर्तन समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ ही होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यक्तिगत हित है उसमें जो संघर्ष है उस पर संतुलन बनाने का काम। तो एक ये पॉइंट नोट करके रखेंगे कि विधि का क्या उद्देश्य होता है। तो विधि का उद्देश्य है व्यक्तिगत हितों में संघर्ष जो है उनका समायोजन या उसमें संतुलन करना विधि का उद्देश्य। तो अब देखिएगा कि अगला है न्याय पर आधारित सिद्धांत, द थ्योरी बेस्ड ऑन जस्टिस। तो देखिए इनका, इन इस थ्योरी के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि मानवीय अधिकारों को समझने के लिए न्याय की भूमिका निर्णायक है। मतलब अगर आपको मानव अधिकार को समझना है तो आपको न्याय को समझना होगा, जस्टिस को समझना होगा। वास्तव में मानवीय अधिकार न्याय का लक्ष्य होता है। तो न्याय का लक्ष्य यहाँ पे ये बोला जाता है कि न्याय, न्याय का लक्ष्य क्या है, मानवाधिकार। कि न्याय के सिद्धांतों द्वारा समाज की मूल संस्थाओं में अधिकारों एवं कर्तव्यों को समुन्देशित किया जाता है, तथा इसके द्वारा सामाजिक सहयोग के लाभ एवं भार उपयुक्त रूप से विभाजित किए जाते हैं। न्याय के सिद्धांतों के पीछे न्याय की सामान्य धारणा औचित्य की है। न्याय पर आधारित सिद्धांत औचित्य की धारणा से ओतप्रोत है। न्याय एवं औचित्य की धारणाएं सामाजिक प्राथमिक लक्ष्यों जैसे स्वतंत्रता, अवसर, आय, धन, आत्मसम्मान के आधार को समान रूप से विभाजित करना है, जब तक सबसे कम अनुग्रहित के लाभ के लिए अपवाद ना किया जाए तो निर्धारित करने में सहायक। मतलब कि एक दुर्बल वर्ग तक भी अगर आप इन चीजों को पहुंचा सके, स्वतंत्रता, अवसर, आय, धन, आत्मसम्मान के अधिकार को आप उनको प्राप्त करा सकें तो यह न्याय होगा। और जब न्याय का लक्ष्य क्या होता है, मानवीय अधिकारों को प्राप्त करना, तो ये था न्याय पर आधारित सिद्धांत कि समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति के पास आप स्वतंत्रता का अधिकार पहुंचा पाए, अवसर की समता प्राप्त करा पाए, आय का वितरण समान रूप से हो, धन का वितरण समान रूप से हो, प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने आत्मसम्मान के साथ जी पाए, तो यही क्या है, न्याय का लक्ष्य है। तो ये बोलता था आपका न्याय पर आधारित सिद्धांत। अब अगला देखते हैं कि गरिमा पर आधारित सिद्धांत, थ्योरी बेस्ड ऑन डिग्निटीज। तो इस सिद्धांत में समर्थक आत्मनिर्भर बनने रहने वाले मूल्यों को गरिमा के आधार पर संरक्षण के अधिकार की मांग करते। इसी सिद्धांत का एक भाग है समानता के सम्मान पर आधारित। ठीक है, तो आप क्या है कि इसका लक्ष्य ये था कि आप प्रत्येक समाज का प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो नर हो नारी हो, समाज में समान रूप से समान के साथ, सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये एक सिद्धांत है जिसके कारण मानवाधिकार दिया जाना, दिए जाने को समझाया गया, या फिर ये बोलता है कि इनको मतलब प्राप्त किया जाना चाहिए। तो इन सब सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम ये सारतः कह सकते हैं कि कोई भी अकेला सिद्धांत जो है वो मानव अधिकारों की वर्तमान स्थिति को संतोषजनक रूप से स्पष्ट करने में समर्थ नहीं। तो अगर हमको समझना है तो इन सभी अधिकार, इन सभी सिद्धांतों को, मतलब ये जो सिद्धांत है वो ये बताते कि मानवाधिकार क्यों चाहिए, मानवाधिकार क्या होते, तो इन सभी सिद्धांतों को अगर हम एक साथ पढ़ें तो शायद हम ये समझ पाए कि मानवाधिकार के सिद्धांत जो है कि मानवाधिकार व्यक्ति को क्यों चाहिए,
मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों है? तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक विधि पर आधारित है। मानवीय अधिकारों की वर्तमान स्थिति तथा विकास जो है वो बहुत निकट है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत न्याय पर आधारित सिद्धांत, मानव गरिमा पर आधारित सिद्धांत तथा समानता पर आधारित सिद्धांत, ये सब मिलकर मानवीय अधिकारों की वर्तमान स्थिति, विकास, संरक्षण आदि को बहुत हद तक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी जो सिद्धांत हैं वो आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक मानव को क्यों अधिकार चाहिए, उसे मानव अधिकार क्यों चाहिए, मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों है, इस चीज को समझने का प्रयास किया हमने। अब देखते हैं कि मानव अधिकार का उद्भव एवं विकास। तो देखिए, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानवाधिकार कैसे विकसित हुआ। तो देखिए, प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर आप समझना चाहेंगे तो ग्रीक, रोम, भारत, इन सब चीजों में भी क्या है, अधिकार दिया जाना जरूरी था कि कोई व्यक्ति आपके राज्य में आकर रहे और अगर उसको अधिकार ना हो तो वह व्यक्ति ऐसे राज्य में निवास करना नहीं चाहेगा। तो प्राकृतिक मतलब ये अगर अपन आदिकाल से चालू करें तो ये चीज समझे कि हर समाज में मानवाधिकार का स्वरूप था, लेकिन उनका जो प्रवर्तन था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अधिकार प्राप्त थे। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं कि ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों के प्रति जो संघर्ष है उसका प्रमाण हमको मिलता है 15 जून को 1215 से मिलता है। इसमें क्या था, मैग्ना कार्टा जो है वो चीजें आई थी कि उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जो थे द्वारा मानवाधिकारों के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहते। तो इसके बाद क्या हुआ, ये प्रथम प्रमाण मिलता है हमको मानवाधिकारों के बारे में, लिखित प्रथम प्रमाण है। लेकिन आप अगर वेदों में जाएं और धर्मशास्त्र, हमारे धर्मशास्त्र में भी जाएंगे तो आप अगर निर्वचन कर पाए तो आपको पता चलेगा कि अधिकार जो है वो वास्तव में धीरे 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 आदिकाल से विकसित होते गए हैं और वर्तमान में आज पहुंचे हैं। तो विकास क्रम ऐसा नहीं है कि 1215 से ही चालू हुआ है, लेकिन इसका जो प्रमाण है वो मिलता है जो मैग्ना कार्टा के रूप में मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, 1628 में अधिकार पायना पत्र। तो ये सब नाम याद रखिएगा, ये बात जब ह्यूमन राइट्स की क्लास चलेगी तो आपको डिटेल में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो 1689 में क्या ठीक है, 1628 में पायना पत्र था, फिर 1689 में बिल ऑफ राइट्स के बारे में मानवाधिकारों से संबंधित दस्तावेज है, तो मानवाधिकार से संबंधित दस्तावेज के बारे में बताया आपका बिल ऑफ राइट्स। उसके बाद क्या हुआ कि 1789 में 1789 में क्या हुआ कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बने सभी देशों में, उनमें सभी लगभग देशों में क्या किया, मानवाधिकार को शामिल करना चालू कर। तो आपका एक ऐसा लिखित दस्तावेज जो आपके राज्य के संवैधानिक पदों के बारे में, संस्थाओं के बारे में जो लिखित दस्तावेज था, संविधान जिसे कहते हैं, उसमें क्या किया गया, मानवाधिकारों को सम्मिलित किया गया, प्रारंभ कर दिया गया कि अब क्या है, मानवाधिकार अब संविधान में भी आने चालू हो। उसके बाद क्या हुआ, 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए ने 10 संशोधन द्वारा क्या किया कि नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया। 10 संशोधनों में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया। तो मानव अधिकारों का पद जो है, ये जो पद है मानव अधिकार, इस पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन राष्ट्रपति जो है रूजवेल्ट ने किया। कब किया था, जनवरी 16 1941। तो कांग्रेस को संबोधित करते हुए अपने संदेश में उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने चार मर्मभूत आवश्यकताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी कि हमारे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा क्या था, धर्म की स्वतंत्रता मतलब अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गरीबी से मुक्ति होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, और भय से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये चार प्रकार के जो मूल अधिकार मतलब अधिकार है मानव अधिकार, वो बोल रहे थे कि विश्व में ऐसा होना चाहिए कि सभी के पास, सभी व्यक्तियों के पास ये चार प्रकार के अधिकार जो हैं, वाक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्र, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वतंत्र, तो ये होना चाहिए।
तो चार स्वातंत्र संदेश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा की कि स्वातंत्र से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। मतलब मानव अधिकार जो है उसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए हर जगह। तो हमारा समर्थन, मतलब यूएसए का समर्थन उनको है जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। तो उन मतलब स्पष्ट संदेश था कि वो बोलते थे कि हम ऐसे राष्ट्रों का समर्थन करेंगे जो मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके विकास में लगे हुए हैं। तो मानवाधिकारों पद का प्रयोग फिर अटलांटिक चार्टर में हुआ। तो ये भी एक नया वर्ड है, इसको याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स की क्लास में पढ़ेंगे अटलांटिक चार्टर के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, मानवाधिकार जो पद है उसका लिखित प्रयोग, लिखित रूप में वो कब आया, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आया, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था उसमें किया गया, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन फ्रांसिस्को में 25 जून 1945 को अंगीकृत किया गया था। इसी वर्ष के अक्टूबर माह में बहुसंख्या में हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसका अनुसमर्थन किया, मतलब जो राज्य थे अलग अलग राज्य, उन्होंने इसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका में घोषणा की गई है, जो जैसे हमारे संविधान की उद्देशिका है वैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उद्देशिका है, तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। और साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी किया गया कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, कि मूल मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः अभिपुष्ट करना है, मतलब पुनः स्थापना करना है उसका। तदुपरांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना मानव अधिकारों और मूल अधिकारों के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने होंगे। तो ये था आपका मानवाधिकारों का विकास एवं उद्भव। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार के विकास के क्या क्या प्रयास हुए। तो देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संबंध में सर्वप्रथम सबसे पहली बार शांति स्थापना लीग नामक एक संस्था का गठन किया गया। इसी क्रम में फिर 1920 में लीग ऑफ नेशंस बना, राष्ट्र संघ, ठीक है। परंतु ये प्रक्रियाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरर्थक रही, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा समर्थन नहीं मिला, प्रभावी नहीं हो पाया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 में मानवाधिकारों के संबंध में जबरदस्त वकालत की और उन्होंने मानव की चार मर्मभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के प्रारूप की चर्चा में मानवाधिकारों का भी व्यापक बहस की गई। 1946 में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में प्रथम मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। 1946 में, ठीक है, प्रथम मानवाधिकार आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे, रूजवेल्ट। अब उसके बाद क्या है कि उसके द्वारा मानवाधिकार पर विश्वव्यापी घोषणा तैयार की गई, जिसे क्या कहा गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर, और उसके बाद 20 दिसंबर को मानवाधिकार, देखिए ये भी नोट करके रखिएगा, 20 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते और क्या है, इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी घोषणा क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहते हैं, ये भी टर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको UDHR। और ये मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हिंदी में बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR का नाम दिया गया। अब इस संबंध में क्या, 1954 तक प्रसंविधाएं हैं, दो प्रसंविधाएं तैयार की गई थी, जो आपको मैं जब बता रहा था पहले ना कि नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविधाएं, ये चीज, और दूसरा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो प्रसंविधाएं हैं, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1956 की। तो मानवाधिकार के संबंध में ना ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, जब भी हम क्लास करेंगे मानवाधिकार के में, तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948,
नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार प्लस संविधान, तो ये पूरा नाम नहीं है, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय ऐसा करके है इसमें, है ना। तो लेकिन आपको याद रखने के लिए थोड़ा छोटा करके बताऊं कि नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार प्लस संविधान 1956 66 सॉरी 56 66 है, में क्या हाँ 56 56 ठीक है। और उसके बाद क्या है, आर्थिक सामाजिक एवं था? क्या बोले, छप्पन सर 56 है कि 66 है बोलिए। छप्पन वो टाइपिंग मिस्टेक हो, नहीं देखो ये जो तुम्हारा ये है ना, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रा संविधान जो है, ठीक है, ये तुम्हारा 66 है, तो इसका पूरा नाम है अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, और सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा। ये भी देखो इसमें ना ना ये 1966 1966 ही है, ठीक है, 66 66। मैं एक बार कंफर्म करके आपको और बता दूंगा, अभी ये याद रखिएगा 1966 याद, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है वो आप याद करिएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रा संविधान, और आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रा संविधान, ठीक है। मानव अधिकार के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण अभिसमय जो है, ठीक है, तो ये केवल आप याद रखिएगा, इसको डिटेल में पढ़ना मतलब एक एक जो चीज है उसके लिए एक एक क्लास लगेगी, लेकिन ये आपको परिचय हो जाए इनका कि ये भी चीजें हैं जो मानवाधिकार से संबंधित हैं उनके बारे में है, ठीक है। तो जनवध के अपराध को रोकने तथा दंडित करने पर अभिसमय, सभी प्रकार के जाति भेदभाव को समाप्त करने पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने पर अभिसमय, विस्थापित कर्मी तथा उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अभिसमय, और आतंकवाद के लिए वित्त प्रदान करने के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आपको इसलिए बताया गया है कि ये आपको एकदम से नई ना लगे, और जब भी मानवाधिकार या मानव अधिकार पद आए तो आपको इन सब चीजों को क्या करना है कि इनके साथ में समझना है, और इन चीजों को भी आप धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हम इन पे अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका था कि मानवाधिकार के संदर्भ में ये जो चीजें थी वो आपको जाननी जरूरी थी, तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और जो नए शब्द हैं आप लोगों के लिए, वैसे ये शब्द नहीं आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, हो सकता है आपके दिमाग में ना हो, समाजवादी सिद्धांत पढ़े हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है। तो देखो आज की क्लास में देखने का हमने क्या प्रयास किया कि मानवाधिकार का उद्भव विकास, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का विकास, मानवाधिकार की परिभाषा, मानवाधिकार का वर्गीकरण, ठीक है, महत्वपूर्ण अभिसमय और मानवाधिकार के सिद्धांत। तो मानवाधिकार की परिभाषा में देखा था हमने कि मिसेज मैरी रॉबिन्सन है, इनका डेफिनेशन देखा था। फिर वर्गीकरण में क्या था कि चार प्रकार का वर्गीकरण हमने देखा, प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रोफेसर लुइस बी सॉन ने किया था, और एक चतुर्थ पीढ़ी के मानवाधिकार जिसमें डेटा जो है, ठीक है, डेटा तक अप्रोच जो है सबका होना चाहिए वो अधिकार आता है। थ्योरीज में हमने क्या देखा था, नेचुरल लॉ थ्योरी, थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी, थ्योरी बेस्ड ऑन जस्टिस, थ्योरी बेस्ड ऑन डिग्निटी, मैग्ना कार्टा, पायना पत्र, बिल ऑफ राइट्स, यूएसए में क्या डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को देखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विकास था उसमें शांति स्थापना लीग, लीग ऑफ नेशंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1941 1945 1946 1954 में,
यूडीएचआर देखा, फिर आईसीसीपीआर बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है, तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। उसके बाद ICESCR बोलते हैं इसको, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्लस संविधान। तो मानव अधिकार और कुछ जो महत्वपूर्ण अभी समय थे वो देखे हमने, जनवाद से जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए, फिर महिलाओं के विरुद्ध, विस्थापित कर्मियों के विरुद्ध, आतंकवाद के लिए वित्त प्रदान करने के लिए, दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभी समय। तो इस प्रकार जो है हमने प्रयास किया कि मानवाधिकार को समझ सके। सर हम लोग को मिलता है क्या आतंकवाद के विरुद्ध पैसा? इंडिया को यूएन देता है क्या?